हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे प्रधान ब्लॉक में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, और दिनों की तरह मैं एक अच्छा टूरिस्ट ट्रिप जा रहा हूं। आज कार्तिक पूर्णिमा का दिन है, जो कि हमारे सिमडेगा में रामरेखा मेला लगती है, जो कि 4 दिवसीय ये मेला था। और आप सभी को जय श्री राम और रामरेखा बाबा की जय। तो आज हम आपको लेके चलते हैं रामरेखा मेला, जो कि सिमडेगा से लगभग लगभग 26 किलोमीटर की दूरी में है। ये रामरेखा धाम, जो कि त्रेता युग में हमारे बीच सीता माता, श्री राम और उसके भाई लक्ष्मण जी आए हुए थे, तो उसी के बारे में हम अभी रामरेखा मेला जा रहे हैं। तो हम आपको रामरेखा मेला में उसके जो भी आपके पास अग्नि कुंड होगा, उसका सीता चूल्हा होगी, गंगा स्नान और रामरेखा धाम के जो रेखा जो लक्ष्मण जी ने खींचा था, वह रेखा आपको संभव हो पाएगी तो हम जरूर दिखाएंगे, क्योंकि भीड़ आज बहुत ज़्यादा रहेगा। इसलिए हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जो भी हो संभव हो सकेगी। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, ताकि आपको हम अगला जो भी मोमेंट होता है उसको दिखाते हैं, और मेला का जो वहाँ रामरेखा मेला लगता है उसको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं क्या क्या मिलता है क्या नहीं। और मेला के काफ़ी उत्साह है हम लोग, तो काफ़ी संख्या लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बहुत से राज्य से आते हैं लोगों ने, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा और वगैरह वगैरह भारत के सभी कोने से आते हैं। तो दोस्तों, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, हम आपको लेके चलते हैं। तो हम लोग फाइनली अभी कुचडेगा पहुँच गए हैं, जो कि आपको कुचडेगा में आपको दो रास्ता मिलेगी, एक कुनकुरी छत्तीसगढ़ जाने वाला रास्ता मिलेगा और दूसरी ओर जो दहनी ओर आपको रामरेखा जाने के लिए मिलेगा, जो हमारे पवित्र स्थल बोर्ड में भी देख सकते हैं और सामने ये देख सकते हैं कि आप बाईं ओर जाइएगा तो कूडे छत्तीसगढ़ के लिए निकलती है, और सामने ये बोर्ड दिख रहा होगा, ये श्री रामरेखा धाम का जो बोर्ड है। तो हम लोग अभी पीछे वाला रास्ता से आ रहे हैं, जो कि इसमें ज़्यादा लोग नहीं आते जाते हैं, जो सुगमता रास्ता होता है उसी से जाते हैं लोग। देख सकते हैं कि रामरेखा की इस प्रकार के चढ़ैया, क्योंकि सामने आपको टेंट वेंट सब लगा हुआ दिख रहा होगा। अगर हम लोग जाते आगे से तो करीबन 1.5 किलोमीटर घूर के जाना पड़ता, जो कि जाने में काफ़ी विलम्ब लगता, तो हम लोग उसको नहीं जाते हुए हम लोग शॉर्टकट रास्ता ले लिए हैं। ऊंचाई होते होते हम लोग सांस फूल रही है, अभी बहुत चढ़ान चढ़ना भी है, देख सकते हैं सीधा देख रहे हैं लोग, काफी सीधा चढ़ान है, यहाँ छोटा रास्ता है इसलिए। जैसे हम लोग मेला पहुंचे उसके जस्ट बगल में ही नगड़ा वगड़ा का मार्केट है, जो कि यहाँ काफी फेमस है ये जगह, जो कि नाग नगेड़ा और मांदर, जो कि हमारे छोटे नागपुर काफ़ी मांदर से फेमस है। मिलता है, जो कि काफी सुंदर सुंदर मांदरें चढ़ती है, ढोल चढ़ के नगाड़ा चढ़ता है। Thank you.
यहाँ पर चढ़े हैं, उसके बाद पसीना में लथपथ हो चुके हैं, फिर भी हम आपके लिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी उत्सुकता लग रही है कि यहाँ पे आने के बाद सभी और मांदर की जांच की आवाज़ों से मशहूर गोल सरोल लग रहा है, तो आपको दिखाते हैं मांदर के बजारे कैसे लगी हुई है। सभी और मांदरों के धुंध दिखेगा यहाँ, सब और मांदर ही मांदर, जो कि इधर स्पेशल मांदर के लिए बाजार लगता है, और आगे बहुत सारे कार्यक्रम होते रहेंगे यहाँ पे। यहाँ पे बड़े बड़े मांदर बजाने वाले कलाकार लोग आते हैं। मेला काफ़ी खसम खास भीड़ है, ये धार्मिक प्लेस है। सभी को जय श्री राम जोर से बोलिएगा, और जितने भी मेरे दोस्तों हैं आप लोग जय श्री राम का नारे नहीं लगाएं, वे लोग जय श्री राम का नारा लगा देंगे। ये देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भाड़, और अभी तो शाम होते होते लोग अभी चढ़ रहे हैं, बहुत चढ़ के उतर भी गए हैं, लेकिन भी काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं काफ़ी दुर्गम जगह होने के बाद भी जिला मुख्यालय से 26 किलोमीटर दूर है, और भीड़ देख सकते हैं अभी से ही लोग जमावड़ा लगा रहे हैं, ताकि स्थान को कैप्चर किया जा सके।